कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा देश की आन का है। मिलकर लहराएंगे हम सब ये तिरंगा, ये हिंदुस्तान, ये नशा हिंदुस्तान का है। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो आज दोस्तों आप 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आप देखते हैं कि आज का सिनेरियो कितना चेंज हो चुका है। कंप्यूटर का युग आ रहा है, अभी कह सकते हैं कि कंप्यूटर का युग है, मिनटा से सारिया कैलकुलेशन हो जाएगी है, सारा कुछ ऑनलाइन ट्रेंड जो है चल रहा है। सो ये कितना पॉसिबल हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल। सो इसी टॉपिक पे ही आज मैं गल करने जा रही हूँ। सो मेरा नाम है कविता, आज जिस मैं टॉपिक पे गल करने जा रही हूँ उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो की होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल का सबनों पता होगा, आर्टिफिशियल मतलब नकली, इंटेलिजेंस का मतलब इंटेलिजेंसी, होशियार कह दें पंजाबी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कुछ नकली, बट जो वो हैगा इंटेलिजेंट, जो कि इंसान दे थोड़ा बहुत लैवल में मैच करता पाया है, जो उस हिसाब न सू अजकल टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो असं कर देंगे। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है एक छोटा जा शब्द, बट ये एक वास्ट कंसैप्ट है, बहुत वड्डा कंसैप्ट हैगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत सारिया चीज़ा आ जाएंगी, कई चीज़ा है जो असं अज जमाने देखते आ रहे हैं। सो कई टेक्नोलॉजी है जी असं इन फ्यूचर देखा, अज के युग में जिदा कि असं ATM मशीन यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन काम सारा हो रहा है, एक ही सेंटर आता है कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिदा मैं कहें कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट हैगा, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असं तीन टाइप करा, ठीक है कि वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक हैगी स्ट्रोंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक हैगी सिंगुलैरिटी। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से असं कह सकते हैं कि जी मतलब एक स्पैसीफिक एक पर्टिकुलर काम के स्पैशलाइज हैगी, जिदा कि ATM मशीन, और असं पैसे सिर्फ निकलवा सकते हैं, तो अजकल हो गए कि पैसे असं जमा भी करवा सकते हैं। तो फिर वो कि स्पैशलाइज है सिर्फ पैसे कटवा तो पैसे जमा करा, कि सिर्फ वो स्पैशलाइज है। हम एयरपोर्ट के अंदर जो अंदर का सिस्टम हैगा वा, उन्हें सिर्फ उस सिस्टम कंसर्न करनी, होर बार किसी सिस्टम कंसर्न नहीं है, तो वो उस काम स्पैशलाइज है। तो इन असं कह देंगे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस तो बाद गल करते हैं स्ट्रोंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। स्ट्रोंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किदा की, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, वो टेक्नोलॉजी जो इंसान के लेवल मैच करा लग जाएगी, तो उन्होंने पता होगा कि स्ट्रोंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जिदा कि मैं एक एग्जाम्पल लै सकती हाँ, जिदा फॉरन के है Amazon Go स्टोर हैगा, और स्पैशली Amazon ने जो बनाया है Amazon के एम्प्लॉयज वास्ते, सू है उ किसी तरह का कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, किसी तरह का कोई काउंटरमैन नहीं है, कोई बैठा पिया, कोई कुछ नहीं है, किसी तरह का कोई भी इंप्लॉय नहीं है। सिर्फ असं की करते हैं स्टोर के अंदर एंटर होना, समान बी फोन टू पिकअप असं पिक करना कर लेना, तो काम कि करते हैं जेडे उस स्टोर के अंदर जाते हैं, उन्होंने फोन एक ऐप होंगी है Amazon Go है, तो वह Amazon Go अकाउंट जो Amazon अकाउंट बनया होंगे है, वह सारी ट्रांजैक्शन लिंक होंगी, और सारा ट्रांजैक्शन वो थ्रू ही होना होंगे। जिदे असी स्टोर के एंटर करते हैं, एंट्रेंस एक स्कैनर होंगे, तो असं जिदे Amazon Go ऐप खोलनी है, वह एक बार कोड का टाइप होंगे, असं स्कैनर स्कैन करा अंदर एंटर हो जाएंगे। एनी समान कोई भी जो समान पिकअप करना है असं पिकअप कर लगे, अगर असं दोबारा तो रख दें तो वो सा ट्रांजैक्शन में काउंट होंगे रहता कि समान चुकया कि रख दिता, तो उदा सारा समान जो असं चकते हैं जो चक के स्टोर तो बाहर आ जाते हैं, दैन असं जो अपना फोन खोल के देखते हैं Amazon Go अकाउंट ट्रांजैक्शन डन हो गई होंगी, तो पैसे साढ़े अकाउंट में ऑटोमैटिकली डिडक्ट हो गए जिन्हें समान की असं परचेसिंग की है। सो यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक होर एग्जाम्पल हो सकती है जिदा कि आप कह दें सैल्फ ड्राइविंग कैब्स, फोरन के सारा कुछ है वा, फोरन के ऑटोमैटिकली जिहड़ियां ड्राइविंग कैब्स है वो किसी तरह की ड्राइवर की लोड़ नहीं हैगी, सीधा जाओ असं सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुँच सकते हैं विदाउट ड्राइवर। तो ये स्ट्रोंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खुला स्टेप है कि सिंगुलैरिटी, बड़ी सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी कहते जी अगर इतने आ गए देश में तो ह्यूमन ब्रीड्स खतरे से, ह्यूमन ब्रीड्स भी जा सकती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की हाई लैवल इंटेलीजेंस ही हैगी, मतलब इतने पहुँच ही नहीं सकता बंदा इन्नी हाई लैवल की हैगी। सो ये है जिदा एक कंप्यूटर आप इंसान सिस्टम अपग्रेड करता है, वो कि हो जाना कि कंप्यूटर ही कंप्यूटर अपने आप ही अपग्रेड हो जा रहे हैं, और फिर कंप्यूटर मिलकर एक नवा सिस्टम अपग्रेड कर रहे, रेवोल्यूशन तो रेवोल्यूशन ही आ रहे हैं। तो उन्होंने कह देंगे सिंगुलैरिटी से बहुत वास्ट कंसैप्ट है, बहुत हले 65 साल लग जाने वो आने। तो उस तो बाद असं गल करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जो मैं दसिया सब कुछ यदा इफेक्ट की होएगा, यदा इफेक्ट यह पैदा है कि जिदा कुछ जॉब्स है वा वो तो खत्म
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋਬਸ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜੋਬ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬਚਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਨਿਊ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਬਚਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਉਂ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਰਿਪੀਟ 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 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਐਫਰਟਸ ਘੱਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਥਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਆ, ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਪੀਟੇਟਿਵ ਵਰਕ, ਰਿਪੀਟੇਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਟਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਟਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਕੋਪ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਮੇਰਾ ਦੇਸੀ ਬਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।